हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई वर्धन खित्तूर। कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है दही भिंडी मसाला करी। इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। ये देखिए हमारा इंग्रेडिएंट्स, 200 ग्राम भिंडी ले लिया मैंने, अच्छे से धो के ऐसा लंबे लंबे कट कर दिया मैंने। ये देखिए ऐसा कट करके रख दिया। अब टेस्ट के अनुसार नमक और दही ले लिया मैंने 1 कप, 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून बेसन ले लिया मैंने कोटिंग के लिए, और भारी कटा हुआ प्याज ले लिया मैंने, 2 मीडियम प्याज ले लिया मैंने, और मसाला बनाने के लिए तेल, धनिया पत्ता, 2 हरा मिर्च ले लिया मैंने, और 3 टमाटर का प्यूरी बना लिया, और हींग ले लिया मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, और तेल में मसाला बनाने के लिए पहले डालने के लिए जीरा ले लिया मैंने, और हल्दी। चलिए अब इसका पहले कोटिंग बना लेते हैं भिंडी को। अब भिंडी को हम पहले डालेंगे नमक। ध्यान रखिए नमक थोड़ा कम डाल दीजिए, क्योंकि हम ग्रेवी में डालना पड़ता है। और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको अभी हम डालेंगे बेसन। बेसन डालेंगे हम 2 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से हम कोटिंग बना लेंगे। ये देखिए अभी हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। पहले मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रखी थी, अभी इसमें 3 टीस्पून तेल डाल दिया मैंने शैलो फ्राई करने के लिए। अच्छे तरीके से भिंडी को गोल्डन ब्राउन होना तक हम फ्राई करेंगे। देख रहे होंगे, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम इसको निकालेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल ग्रेवी बनाने के लिए, और तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हम जीरा। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे हींग। टेस्टी बनता है खाना हींग डालने से। और इसमें हम डालेंगे हम अभी 2 हरा मिर्च। इसका बाद हम डालेंगे भारी कटा हुआ प्याज, एकदम छोटा छोटा पीस करना है प्याज को। इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होना तक फ्राई करेंगे प्याज को मीडियम फ्लेम में। ये देखिए फ्राई हो रहा है हमारा प्याज। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई करना है, बहुत टेस्टी है, इजी रेसिपी है। दही भिंडी करी सबको पसंद आ जाएगा। ये देखिए ये भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला चीज। पहले हम डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर अच्छा आ जाए तेल में डालने से, और हल्दी। इसको अच्छे तरीके से पहले मिलाएंगे। इसको मसाला डालने वक्त गैस आप हमेशा लो फ्लेम में रख लीजिए, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा मसाला हमारा। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अब ये फ्राई चुका हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी हम अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ऊपर तेल आना तक हम इसको ग्रेवी को पकाना है। ये देखिए हम अभी आपका टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिए नमक अभी आप कोटिंग के लिए डाल दिए भिंडी में। इसको हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी ग्रेवी पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही डालने वक्त लो फ्लेम में रख दीजिए, बाद में इसको हाई मीडियम फ्लेम में रख के इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए दही में डाल दिया। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, और हम ढक्कन लगा के 2 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए ऊपर तेल आ गया, ये पक गया है हमारा ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ भिंडी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना आप और पानी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ ग्रेवी ज़्यादा होने के लिए। ये देखिए
अब इसको हम और 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी पक गया है। इसको हम धनिया पत्ता डालेंगे, सर्व करेंगे। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए चावल का साथ, रोटी का साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।